अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 91। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे सरफेस मॉडलिंग में फिलेट्स कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, ट्रिम के ऊपर डिस्कस करेंगे, अनट्रिम के ऊपर और एक्सटेंड के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। और स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो काम किया था ऑटो कैड में लेसन नंबर 90 पे, जो काम किया था इस प्रीवियस लेसन में, तो उसमें कुछ कमांड मैंने आपको जल्दी जल्दी में करवाई थी, क्योंकि लॉफ्ट कमांड, स्वीप कमांड, एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व कमांड हम पहले कर चुके थे, लेकिन दोबारा से मैंने आपको सरफेस के ऊपर किस तरह काम करते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करके आपको बताया। तो इसलिए आप जो है, तो अगर आपको कोई मसला होता है इन कमांड में तो आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। और मैंने इसलिए जल्दी करवाया था क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी लेक्चर की, तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा जल्दी में कराया था। आज के इस लेसन में हम देखते हैं फिलेट्स कमांड के ऊपर, ट्रिम कमांड के ऊपर, अनट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, इन पे काम कैसे किया जाता है। तो फिलेट्स के लिए मैं टॉप यहाँ पे, मैं इसी व्यू में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक व्यू में ही जाता हूँ और F7 प्रेस करता हूँ गाइडलाइंस के लिए। ना भी आप लें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाइडलाइंस का यहाँ पे फायदा है कि आपको पता चल जाता है कि हम पास देखें ये कौन सा आइसोमेट्रिक व्यू है, देख सकते हैं। तो इसे अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए आप होम पे क्लिक करें और यहाँ से आप देखें राइट में है ना, तो आप इसको वर्ड पे क्लिक करें, देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं काम ये करता हूँ, पोलियन लेता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए, और कलर इसका चेंज है तो कलर में यहाँ पे COL एंटर करता हूँ, COL एंटर, और कलर को बाय लेयर करता हूँ। ओके, पॉलीलाइन PL एंटर, F8 प्रेस करता हूँ, ओके। और अब जो काम करना है वो क्या है जी, मैं इसको रोटेट करता हूँ, RO रोटेट 3D, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, और इसको कॉर्नर से पहले रोटेट करूंगा 90। और अब देखते हैं कि ये रोटेट कैसा हुआ है, सही है। अब मैंने जो काम करना है वो क्या करना था जी, मैं इसको पहले, सबसे पहले एक्सट्रूड करूंगा, सरफेस में जाता हूँ, जाके मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एंटर एंड एक्सट्रूड करके आगे ले जाता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, ऐसे सामने लाता हूँ। और अब जो काम करना है वो है जी हमारे पास फिलेट्स, फिलेट्स के ऊपर क्लिक करें, फर्स्ट सरफेस के ऊपर क्लिक करें, सेकंड सरफेस के ऊपर क्लिक करें और शिफ्ट इसको प्रेस करके आप इसको देखें ज़रा, देखें तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फिलेट हो गया है। वो भी ज़्यादा फिलेट करना है तो यहाँ पे रेडियस को ऑप्शन ने दिया हो तो रेडियस पे क्लिक करें, और रेडियस पे मैं देता हूँ उसको 5 का रेडियस, देखें रेडियस आ गया, 10 का रेडियस देते हैं 10 का रेडियस आ जाएगा, देख सकते हैं। तो 10 का इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पे रेडियस इसका आ गया जी। ओके, स्पेस प्रेस करके 2 बार देखें तो हमारे पास ये क्या हो गया, फिलेट हो गया कमांड। और ट्रिम का फंक्शन ये होता है कि मैं अगर ट्रिम यूज़ करता हूँ तो ट्रिम का फंक्शन ये होगा कि मैं यहाँ पे दोबारा फिलेट्स पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, ट्रिम, यस कह रहा है ऑटोमेटिकली ट्रिम सर्फिस टू फिलेट एज, कि इसके एज जो है ऑटोमेटिकली इसको ट्रिम कर ले, येस और नॉट, तो येस करें। तो यहाँ से इसके एड्ज जो होते हैं ये वाले, ये जो कॉर्नर होते हैं ये ट्रिम हो जाते हैं, ये वाले अभी नहीं हुए, लेकिन मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और मैं यहाँ से दोबारा फिलेट्स पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट सेकंड ट्रिम के लिए ट्रिम करता हूँ, और यस ट्रिम सरफेस, रेडियस भी साथ में देता हूँ 5, इसके एरिया भी ट्रिम कर दिए इसमें और सरफेस भी आपको दे दिए, देख सकते हैं। तो ये ट्रिम भी कर देता है आपके जो एड जो होते हैं कॉर्नर को और सरफेस भी देता है। तो ये सही ट्रिम का फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटेंड, एक्सटेंड कमांड यहीं पे आपको बता देता हूँ, एक्सटेंड पे क्लिक करें, अपने सरफेस को सिलेक्ट करें, इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, इसको देखें जितना मर्जी आप एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। नीचे वाले सरफेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं करके आप ट्रिम एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, ये एक्सटेंड।
ट्रिम का फंक्शन क्या है? ट्रिम का फंक्शन ये है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, और इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से, सॉरी ये जो लाइन है इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ नीचे की तरफ, इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा मूव करता हूँ ऊपर ताकि बीच में से हमारा एरिया ये ले। ओके, अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, इस कॉर्नर से इसको एक्सटेंड करूँगा। ओके, और इसको मूव करूँगा थोड़ा सा इस साइड पे, इस एक्सेस में। कंट्रोल से ये कह रहे हैं कि उस साइड पे मूव नहीं हुआ, चले है। अच्छा देखते हैं अब यहाँ पे इसको ये काम करेगा कि नहीं, दोनों को सिलेक्ट करके। अब वो इसलिए एरर दे रहा था क्योंकि वो ओवरलैप हो जाते अगर इसको मैं एक्सट्रूड करता यहाँ पे, उसको मूव करता। अब ये वाला एरिया, तीन एरिया मेरे पास बन गया, मैं इस एरिया को ट्रिम करना चाह रहा हूँ, किसी एक एरिया को ट्रिम करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। अब ट्रिम का फंक्शन क्या है जी मेरे पास? अब ये जो एरिया ट्रिम होगा वो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा? ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये जो है, तो इसको इसके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये आपस में ये क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहे हैं, देख सकते हैं क्रॉस कर रहे हैं इसको, तो ये वाला एरिया इसका ट्रिम हो जाएगा और ये वाला एरिया ट्रिम नहीं होगा। इस एरिया को ट्रिम करना है तो आप इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे की तरफ, तभी जाके ट्रिम होगा। तो मैं इसको ट्रिम करना चाह रहा हूँ, ट्रिम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना चाह रहा हूँ, स्पेस क्लिक करता हूँ। मैं दोबारा से देखता हूँ, ट्रिम शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, देखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से अब जिसने इस एरिया को उसने क्या कर दिया, देखें ट्रिम कर दिए। इस एरिया को ट्रिम नहीं करेगा क्योंकि इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये एरिया जो हमारे पास देखें इसको ये क्रॉस कर रहा है। अब ये जो एरिया इसको क्रॉस कर रहा है तो इसको ट्रिम करेगा, और इसको ऊपर वाले को करना चाहो तो ऊपर वाले को भी ट्रिम करता है ये। तो ये देखें यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इस एरिया को ट्रिम कर दिया। ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आगे तक चला जाता है, ट्रिम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये आगे तक चला गया, देख सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे बता रहा है आपको, स्पेस प्रेस करें। अब यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट कटिंग कर्व सरफेस और रीजन, कौन से अपने रीजन को सिलेक्ट करना है? तो मैं जिनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से स्पेस प्रेस करता हूँ, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं इस एरिया से वो वाला एरिया क्या हो गया, ट्रिम हो गया, देख सकते हैं। तो आपका ये एरिया ट्रिम हो जाता है यहाँ से। अब ये जो ट्रिम हुआ एरिया, अब इसको अनट्रिम करना चाहें, आप वापस लाना चाहें, तो वापस लाने के लिए क्या करेंगे, आप अनट्रिम पे क्लिक करेंगे, अनट्रिम पे क्लिक करता हूँ, इसके एड्ज को सिलेक्ट करें, ये वाला एड्ज है, स्पेस प्रेस कर दें, देखिए वापस आ गया। नीचे वाले एज को भी मैं अनट्रिम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि नीचे से नजर आए, और अनट्रिम पे क्लिक करें, आपने इसके सरफेस को सिलेक्ट करें, यह सरफेस है, स्पेस प्रेस करें, देखो वापस आ गया। तो ये जी ट्रिम और अनट्रिम का फंक्शन है, आप को उम्मीद करता हूँ इन लेसन की समझ आई होगी। और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास सरफेस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है, ये पता नहीं क्या लिखा हो, ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास जो सरफेस होता है इसको स्मूथ कर देता है, अगर आपके पास किस तरह का सरफेस बना हुआ है तो आपको देखें यहाँ पे, आपको वीडियो भी बता रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि इस तरह का अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको स्मूथ करना हो तो आप यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं। तो ये था जी आपका, ये था हमारा ऑटो कैड में लेसन नंबर 91, जिसमें हमने ट्रिम, एक्सटेंड और अनट्रिम एंड फिलेट्स कमांड को भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।